ए क्या रे, बड़ा ग्लो ग्लो बनाता फिरता है रे। हिम्मत है तो कैप कट के अंदर रेनबो ग्लो बना के दिखाना। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। चल प्रीव्यू देख ले। अरे मैं तो मजाक कर रहा था रे, तूने तो बना डाला। चल इसका ट्यूटोरियल भी बता दे। तो गाइस VPN डाउनलोड कर लो, कैपकट मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, बिल्कुल लेटेस्ट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद इसे ओपन करो। देखो ये क्लिप के अंदर बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये क्लिप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन तुम किसी में भी बना सकते हो। देखो कैसे बनाना है, अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करने वाले हैं, तो एडजस्टमेंट अपन सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में यहाँ भी तुमको जाना है, और देखो ब्राइटनेस को तुम्हें सबसे पहले कम कर देना है, ठीक है। और इसके बाद कॉन्ट्रास्ट को हमेशा फुल ही रखना है, और कॉन्ट्रास्ट को फुल रखने के बाद एक्सपोजर को देखो थोड़ा बढ़ाओ। नहीं, यहाँ पे एक्सपोजर घटाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपोजर घटाएं और सैचुरेशन को बढ़ाइए, ठीक है। बाकी शार्पन को तो वैसे अपन ने फुल ही करना है, ठीक है। शार्पन को एकदम फुल कर देना है, शार्पन को एकदम फुल कर दो। एक्सपोजर को देखो यहाँ पे मैंने बढ़ाया है वैसे, ठीक है। और शार्पन को कम कर, देखो फुल कर दी है। इसके बाद HSL में जाओगे ना, तो देखो यहाँ पे जो रेड कलर और जितने भी है ना, इन सब को अपने को सैचुरेशन जीरो कर देनी है, ठीक है। सैचुरेशन जीरो कर दो, लुमिनेंस बिल्कुल मतलब वो भी माइनस पे ले आओ। और ब्लू कलर जो है ना गाइस, जितने भी ब्लू कलर है उनकी सबकी जो है सैचुरेशन कर दो फुल। और जो है ये पर्पल कलर है, इसको हल्का सा ब्लू की तरफ लेके आओ। मतलब अपने को लगभग पूरा ब्लू बनाना है। लुमिनेंस जितना बढ़ाओगे उतने से गोरा होएगा, ठीक है, तो बढ़ा देना। इसके बाद देखो शेडो वेडो थोड़ी घटाई है, ठीक है। टाइम वैम वगैरह करने की जरूरत नहीं है, विगनेट वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अभी इसको एक बार एक्सपोर्ट कर लो, ऐसा जो है दो बार और एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो इसको जो है देखो अपनी जो एक्सपोर्ट की हुई मीडिया वो यहाँ पे ले लो, और उसको जो है ओवरले में कर लो, ठीक है। ओवरले में यहाँ पे ले लो, ये ओवरले पे क्लिक करो और इसको वापस आगे लेके आ जाओ। और जो देखो ये स्पिल्ड का मारा हुआ है, इसमें भी स्पिल्ड मार दो, और आगे वाला हिस्सा डिलीट कर दो, और ऊपर वाली का जो है पिछला हिस्सा डिलीट कर दो, और इसको मेन ट्रैक पे ले आओ। इससे क्या हुआ ना, जो अपन ने एक्सपोर्ट किया ना गाइस, वो उसकी जगह ऊपर आ चुकी है, ठीक है, पहले वाली की जगह। बस यही अंतर हुआ है। अब वापस अपने को सेम प्रोसेस करना है। HSL में गया हूँ यहाँ पे, और जितने भी ब्लू कलर है उनकी सैचुरेशन एक बार फिर से मैंने जो है पूरी प्लस 100 पे की है, ठीक है। और ये जो पर्पल कलर है, इससे आगे वाला कलर है वॉयलेंट, इनकी जो है अपन ने हुई में माइनस की है, और लुमिनेंस में भी जो है बिल्कुल कम की है, ताकि फालतू का कलर ना बने। सिर्फ ब्लू कलर में अपने को लुमिनेंस बढ़ाना है, ठीक है। ब्राइटनेस यहाँ पे मैंने माइनस कर दी है। कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दोगे तो जितना भी फालतू का कलर बना है वो सब हट जाएगा, और सिर्फ ब्लू कलर आपका दिखेगा, ठीक है। और यहाँ शार्पन वगैरह बढ़ाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, अपन ने पहले बढ़ा दी है, मेन क्लिप में ही अब सीधा बढ़ाएंगे बस, ठीक है गाइस। और अभी फिल्टर वगैरह भी लेने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार देखो अपन ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट जो है कम किए और कॉन्ट्रास्ट बढ़ाए, एक बार फिर से एक्सपोर्ट किए, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद वापस अपने को उसी जो है अपने इसी प्रोजेक्ट में ले लेनी है वो क्लिप जो एक्सपोर्ट की है, और उसे ओवरले में सेट करनी है। मतलब ओवरले पे क्लिक कर दो, नीचे आ गई, वापस वही प्रोसेस है, ठीक है। जहाँ पे स्पिल्ड किया हुआ है वहाँ पे स्पिल्ड करो, आगे वाला डिलीट कर दो, और ऊपर वाली का जो है पिछला हिस्सा डिलीट कर दो, और इसको मेन ट्रैक पे लेके आ जाओ। इससे क्या हुआ, बस जो पहले वाली मीडिया है उसकी जगह ये रिप्लेस हो गई है बस। अभी फिर से जो है गाइस एडजस्टमेंट में जाना है, अभी ये फाइनल एक्सपोर्ट अपने को करना है, ठीक है। इसके बाद बस लास्ट एक्सपोर्ट होगा जिसमें अपनी पूरी शॉट रेडी हो जाएगी। कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया है और ब्राइटनेस जो है बिल्कुल ही कम कर दी है, ठीक है। सैचुरेशन को अब की बार पूरी माइनस की है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे देखना, सैचुरेशन पूरी माइनस 100 कर दी है, ठीक है। तो अभी इसकी वजह से बहुत कम दिख रही है, तो इसके लिए क्या करो, ब्राइटनेस को करो कम और एक्सपोजर को बढ़ा दो, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब दिखना शुरू हो जाएगा। और ज़्यादा दिखाना ना, तो देखो अभी अपन HSL में ब्लू कलर की जो है सैचुरेशन फुल कर रहे हैं, जिसके बाद आपको काफ़ी क्लियर दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो देखो गाइस अभी आपका दिखने लग गया है, पहले सैचुरेशन कम की थी तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था, अब दिख रहा है ना गाइस। तो अभी HSL का काम हो गया है, ठीक है। अभी तुमको एक ओवरले लेना है, ओवरले का लिंक अपन ने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। ओवरले ये जो है, ये वाला मैंने अलाइट मोशन में भी जब बनाया था तो इजी ओवरले में बनाया था, ठीक है। तो ओवरले अपने डाउनलोड कर लेना लिंक से, और ना हो पाए तो लिंक ओपन करने वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। और स्प्लाइस में जो है मैंने इसका क्या रखा है, ओवरले रखा है, ठीक है। इसको अब एक्सपोर्ट कर लो दोस्तों, अभी फाइनल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बाद बार बार एक्सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी जो देखो आप वापस इसी प्रोजेक्ट में जाओ, और जो अपनी पहले वाली नॉन एडिटेड क्लिप है ना वो यहाँ पे ले आओ, जो बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है वो क्लिप आपको लेनी है। इसको भी ओवरले में कर लो, ठीक है, ओवरले में कर लो, और जहाँ पे स्पिल्ड किया हुआ है ऊपर वाली में वहाँ पे इसमें भी स्पिल्ड कर दो, आगे वाला हिस्सा डिलीट कर दो, ऊपर वाली जो है हटा दी है, और इसको मेन ट्रैक पे लेके आ जाओ, ठीक है।
वही सेम प्रोसेस किया अपन ने, मेन टैग पे लाके उसकी जगह रिप्लेस कर ली है। अब जो है इसको पहले एडजस्ट करना है, क्यों करना है, क्योंकि ग्लो वाली क्लिप लगाएंगे, इससे पहले इसे भी थोड़ा बहुत ग्लो के हिसाब से कर देते हैं। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया है, ब्राइटनेस यहाँ पे माइनस की है, शार्पन देखो गाइस अब फुल कर दी है, ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा था कि मेन क्लिप में ही करूँगा। और अभी देखो HSL में आपको क्या करना है, पहले अपन HSL में क्या किया था, ब्लू शेड दिखाने के लिए ऑरेंज और सब की जो है सैचुरेशन जीरो की थी, अब ब्लू कलर और जितने भी कलर है ना इन सब की सैचुरेशन जीरो कर दो, ठीक है। अभी ये थोड़ा लैग कर रहा है इसलिए पूरी जो है सैचुरेशन जीरो ही दिख रही है। एक बार मैं कैप कट से बाहर निकलता हूँ, ठीक है, ताकि आपका ये सही से दिखना शुरू हो जाए। अभी हैंग होने की वजह से ये सही से नहीं दिख रहा है यहाँ पे, अब देखो एकदम सही दिख रहा है, ठीक है गाइस। तो कभी कभी हैंग हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखो अपन वापस एडजस्टमेंट में जाते हैं और कुछ रह गया तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अभी तो सब ठीक लग रहा है यहाँ पे, सैचुरेशन वगैरह देखो थोड़ी बढ़ाई है। थंबनेल में देखो आपको थोड़ा सी बॉडी एकदम सैचुरेटेड दिख रही थी, तो सैचुरेशन बढ़ाई है, अगर कम करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और अभी आपको जो है वो जो अपन ने एक्सपोर्ट किया है ग्लो वाली लेयर उसको ले लो, इसको ओवरले में लेके आ जाओ, ठीक है, इसको ओवरले में लेके आना है। और जहाँ पे स्पिल्ट अपने किया हुआ है पहले, वहाँ पे इसमें भी स्पिल्ट कर दो बस, और पिछला वाला डिलीट कर दो। अब इसका ऊपर वाला डिलीट मत करना, ठीक है, अब इसके जो है टोटल 4 कॉपी करो, ठीक है, इस ओवरले को जो है कॉपी करो और वापस एक सी जगह नीचे लेके आ जाओ, सेम जहाँ पे ये ओवरले है वहीं पे लेके आना, बिल्कुल जो है आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वरना फिर ग्लो आगे पीछे हो जाएगा, बहुत बेकार लगेगा, ठीक है। तो टोटल 4 ओवरले अपन ने कॉपी किया है। इसके बाद जो नीचे वाले 3 है इनकी जो है स्प्लाइस में आपको लाइटन कर देनी है, ठीक है, स्प्लाइस के अंदर लाइटन की है दोस्तों, दूसरा कोई मत कर देना, लाइटन की है। जो पहले ओवरले लिया था उसकी अपन ने ओवरले की थी, इसमें खैर लाइटन की है, ऊपर वाले की मैंने यहाँ पे लाइटन नहीं की है, वो मैं फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा तब करूँगा, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हें ब्लर इफेक्ट है वो लेना है, इफेक्ट में से जाके ब्लर इफेक्ट ले लो और एंड तक लगा दो इसे। और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हें सेकंड ओवरले रखना है, ठीक है, पहला वाला ओवरले नहीं रखना। तो यहाँ पे ओवरले में सेकंड रखा है, फर्स्ट वाले को ऐसे ही रहने देंगे, अच्छा लगेगा, शार्पन लगेगा, थोड़ा ग्लो सही रहेगा, ठीक है। एक जो है एक और ब्लो ले ओ, मतलब ब्लर ले ओ, मतलब टोटल 3 ब्लर इफेक्ट अपन यहाँ पे लेने वाले हैं। और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो थर्ड वाला ओवरले रखना, ठीक है, जो थर्ड नंबर पे ओवरले है उसको रखना है। ब्लर की सेटिंग यहाँ पे 50 है, ठीक है, तो और ऊपर वाले ब्लर की सेटिंग कम कर दी है मैंने, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले ब्लर की सेटिंग बढ़ाई हुई है तो ऊपर वाले की कम कर दी है। इसके बाद एक फाइनल जो है ब्लर इफेक्ट और ले लो यहाँ पे, और इसको जो है लास्ट वाले ओवरले में कर दो, ठीक है। आपके अगर ये ऑब्जेक्ट वगैरह का एडजस्ट का अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका कैपकट ओल्ड है, आप नया डाउनलोड कर लीजिएगा मेरी लिंक से। और अभी अपन ने ब्लर का काम कर लिया, अभी तो देखो थोड़ा ग्लो नहीं दिख रहा, मतलब चमक नहीं रहा है। एक फाइनल इफेक्ट ले लो एज ग्लो, ठीक है, एज ग्लो को जो है ऑब्जेक्ट में जाके जो सबसे लास्ट वाला ओवरले उसमें लगाना, जिसमें अपन ने ब्लर पूरा बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखा था। ग्लो थोड़ा बढ़ा दो, इस एज ग्लो का जो है एडजस्टमेंट से जाके ग्लो बढ़ा दो। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है ग्लो, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चमक भी रहा है, थोड़ा और चमकाना है तो एज ग्लो को जो है सेटिंग में से बढ़ा देना। और अभी तुम्हारा ग्लो बिल्कुल रेडी है, अभी जो है इसका जो ऊपर वाली क्लिप है उसका स्प्लाइस में जाओ, स्प्लाइस में जाके लाइटन कर दो, ठीक है। फाइनल अभी तुम्हारा बन चुका है, लेकिन देखो थोड़ी सी बॉडी ज़्यादा सैचुरेटेड दिख रही है, तुम देख सकते हो, और डार्कन भी है, तो थोड़ा इसे ठीक कर देते हैं, ठीक है। जो अभी थोड़ा सा ब्राइटनेस कम की है, इसके बाद देखोगे तो अभी ठीक हो चुकी है पूरी लगभग, ठीक है। तो अभी मैं मानता हूँ कि आपका ग्लो बिल्कुल रेडी है, और अब आप इसे जो है एक्सपोर्ट कर लेना। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय बाय।